अस्सलाम वालेकुम, मैंगो पीपल, आप व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, ज़ारेब का व्लॉग। और आज है भाई मेहंदी, मेहंदी की रात आई। आपके भाई की मॉर्निंग हो गई है, बहुत लेट हुई है क्योंकि कल रात को बहुत लेट सोए, सुबह ही हो गई थी जो हम सोए हैं। और अभी अभी नबील हमारे लिए नाश्ता गर्मा गर्म ले आया है। टाइम बहुत लेट हो गया, उठते उठते दोपहर हो गई है। नबील अपने घर से जो है मज़ेदार सा हमारे लिए खाना बनवा के लेकर आया है। मेकअप आर्टिस्ट की टीम वापस से आ गई है और जो है हमारे दो मेहमान आ रहे हैं, थोड़ी देर में हमारे घर आ जाएंगे। मिलवाऊंगा कौन आ रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ शादी में जाएंगे। तो फटाफट से पहले अंदर चलते हैं, भूख लगी है, खाना खाते हैं, उसके बाद जो है तैयारी आज की शुरू करते हैं। कपड़े शपड़े निकालते हैं, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा क्योंकि इनको टाइम लगेगा तैयार होने में। अपन जो आधे घंटे में हो जाते हैं पूरे के पूरे रेडी स्टेडी एंड द गो। नबील भाई आज हमारे लेकर आए रायता और अचार, बोल रहे बस यही खाओ, इससे ज्यादा मैं तुम लोग खिला नहीं सकता। ओवर नहीं ना करना, शादी पे भी तो खाना ना जाके। परांठे भी आए, अंडी आए, बैठी आए, फटाफट से आके महीर के बाल बन गए। नाप की इमरजेंसी किट भी आ गई है भाई। इन दो मेहमानों की बात कर रहा था, वो आ गए। कुत्ते आ गए हैं, डर रहे, व्लॉग बंद करो, हटो। हमारी प्रिंसेस कहाँ है? अलियाना क्यों इतना रो रही है? अलियाना अभी सोकर उठी, उठी हुई भी नहीं थी बल्कि सो ही रही थी, मैंने उठाया। वालेकुम अस्सलाम नंगू, क्या है गर्मी? यू आर हॉट या ब्रो? अरे आप लोग भी यहाँ शिफ्ट हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह, नाइस। आज अर्ली मॉर्निंग वॉक नहीं की तुमने? हुआ ये है कि यहाँ पर कोई 20 लोग हैं और 20 मोबाइल्स पे इंटरनेट कनेक्ट हुआ हुआ और एक छोटा सा राउटर हमारा ये रहा। तो हमने एक स्कीम चलाई है, वो ये चलाई है कि हमने राउटर करके रीस्टार्ट। अब जिसका पहले कनेक्ट हो गया वो नसीबदार, वरना सबके लसन। 5 4 3 2 वीवो किसका है? अपने घर का है, वो भी नहीं चल रहा। अच्छा नहीं चल रहा। गाइस ये देखिए, मेकअप से पहले ना इंसान ऐसा होता है, ये इस स्टेप से गुजर के अच्छे वाले स्टेप में जाना पड़ता है। देख रहे हैं आप, मैं आपको असलियत दिखा रही हूँ, अल्लाह माफ करे। क्या मसला है ये? इसलिए गाइस यहाँ पे नहीं खड़े कि मेरी मोहब्बत में खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि इनका फ़ोन मेरे पास है और अपना फ़ोन लेने के लिए खड़े हैं। नहीं देख रहा हूँ मैं, बस पता नहीं क्या ही हो रहा है। ये क्या हो रहा है? अच्छी नहीं लग रही थी कल मैं। अब्बू साहब चलें, तैयार हो जाएं। कर क्या रही है? खेल भी पता नहीं किसके साथ रही है। चल भाई उठ, तैयार हो, चलो टाइम नहीं, 8 बज रहे हैं यार, क्या कर रहे हो? हमने एक रफ सा टेक्सचर बनाया अपने बालों का यार। मुझे तो मैं पता नहीं, बस अपनी शादी पे अच्छी नहीं लगना था मुझे, बाकी तो मैं हर जगह अच्छी लगूंगा। तो बस अभी मैं फटाफट से चेंज करूंगी, फिर हम इसको थोड़ा सा टचअप करेंगे, आगे से भी कर लोगे या फिक्स होंगे सारे, क्योंकि पहले मैंने कहा मैं चेंज कर लूँ, उसके बाद देखते हैं फाइनल लुक। आज भी हमें देर हो गई है अल्लाह के फजलो करम से, क्योंकि टाइम पे हम तो हम कहीं पहुँच नहीं सकते, और ये सारी देर होती है लारे और रबीका की वजह से। अच्छा, क्योंकि बाकी सब तो टाइम पर होता है। अच्छा फाइनली ये रहा मेरा पूरा लुक, मैं रेडी हो गई हूँ आज मेहंदी के लिए और अच्छी लग रही हूँ वाइज मुझे, मैं आज भी, कल भी लग रही थी, आज भी लग रही है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अब क्योंकि सिर्फ मैं रेडी हुई हूँ और अभी बाकी सब रेडी हो रहे हैं, तो हम फिर कुछ देर में निकलेंगे। आज भी हमें वही टाइम हो गया, ये अगर आप पहले कर देती ना तो क्या ही बात हो जाती, लाइट कम थी गाइस पहले, तो आज भी हमें वही टाइम हो गया जो हमें कल हुआ था। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम हैं ही ऐसे। खुरैम जल्दी करो यार, क्यों इतनी देर कर रहे हो? हम 10 मिनट पहले तैयार होने के लिए। एक तो एहसन भाई इतना टाइम लगाते हैं तैयार होने में, उफ अल्लाह इतना टाइम लगा रहे हैं। मदीहा कब से रेडी होके बैठी हुई है, लेकिन एहसन भाई ये है कि मतलब रेडी नहीं हो रहे। फिर आप बताओ, आपको मैं कैसी लग रही हूँ आज? और मैं सबसे पहले रेडी हो रहा था, मुझसे पहले कोई भी नहीं हो रहा। अच्छा, मैं कल ज्यादा अच्छी लग रही थी कि आज अच्छी लग रही हूँ? आज ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। और आप साफ करके देखिए, बहुत बोल रहे हो, बहुत बोल रहे हो। बीका काशिफ खान खूबसूरती के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने अपने इयररिंग्स चेंज कर लिए हैं क्योंकि वो शूट में बहुत अच्छे लग रहे हैं, रियल में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कहीं जाने की इस तरह आदत थी नहीं, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना रही हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, लेकिन वो बहुत प्यारे लग रहे थे। लेकिन मैंने ये पहन लिए हैं, मुझे कल पहनने थे और मुझे अब रिपीट पे पहनने पड़ेंगे। और अबीका काशिफ खान भी रेडी हो गए, बस अभी मैं, लाली और खुरैम जा रहा है हमारे साथ।
मैं लाली और फ्रैम हम निकल रहे हैं क्योंकि रबीका काशिफ खान तो इतना टाइम लगाती हैं उसको ला रेडी होने में, मैं क्या ही बताऊं। तो बस रबीका का बस शूट हो रहा है, रबीका ने बोला आप लोग आ गया कि चलो हम लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, तो मिलते हैं इवेंट पर, बाय। मैं वैसे अच्छी लग रही हूँ, मुझे आहिस्ता आहिस्ता ना मेकअप अच्छा लग रहा है। मतलब इससे ये साबित होता है कि मेकअप का मसला नहीं है, सैलॉन्स का और आर्टिस्ट का इशू होता है। मेकअप पढ़ना अच्छा लगता है यार। मतलब आज हम नए रास्ते से आए हैं और हम लोकेशन पर पहुंच गए हैं और एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, वो ये हुआ है कि मेरा इयररिंग का जो स्टॉपर है वो गिर गया और इयररिंग मेरे कान से गिर चुका है। अब मैंने हमारे पास इयररिंग तो हमने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन मैंने मदीहा को बोला कि आते हुए मेरे लिए स्टॉपर लेकर आए। अब देखो और कब आएगी वो, कब मैं स्टॉपर पहनूंगी। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक, हाउ आर यू? आपने लाल ही पहना है फिर, कल लाल की बात हो रही थी ना। लाल मेरे दिल का हाल है, क्या आपके सर पे बाल है? वाह वाह, टूटे है तेरी काली, कैसे हो लाली? हेलो हेलो, हमारा छोटा व्लॉगर जो है फुल व्लॉगिंग कर रहा है, फुल व्लॉगर। मेरे बच्चे आ गए, मेरे छोटू आ गए। हमने बड़ी मुश्किलों से एक काम किया है। क्या? एक आग वाली जगह घेरी है यार, यार बहुत सर्दी है, सारी कुर्सियां गीली हैं। गीली हैं? यस। पैनाडोल का डोज ओज। शायरी कहाँ गई? शायरी तो दो किसी को दे, दे आज सबको, दो ना आज सबको देंगे। चलो आज तो आज देनी जरूरी है, वरना पता ही नहीं चलेगा आप आए हो। अब मुझे ये पता है कि पूरे इवेंट में जरनाब यहाँ से नहीं हिलेंगी, नहीं ना। 11 के बाद बचते हैं 12। कैसी हैं आप सारा? सर आप कैसे हैं? मैं आपका बहुत बड़ा फैन, यू आर वेरी क्यूट, माशाल्लाह। ज्यादा नहीं बोलना, दराज में क्या नया है? मदीहा का वेट कर रही हूँ, मदीहा आए तो मेरा स्टॉपर लेकर आया और मैं कान में इयररिंग पहनूं, फिर मैं जाऊं, मैं बस साइड पे आके बैठ गई हूँ अभी। और इतनी ठंड हो रही है कि बस आग के पास ही बैठ गए हम, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही कहीं और जाने की। भाई साहब बहुत ठंड हो रही है, इसको भी देख लें आप, स्पेशली ओ हो हो, वेयरिंग एस्टी क्लोथिंग ओनली। आप इधर आएंगे इधर, ओए हो कितनी प्यारी लग रही है रवि का। दुल्हन बहुत प्यारी थी, दुल्हन हमारी आ गई है, दुल्हन की दोनों बहने ही हो रही हो गया हूँ फाइनली, ऑफिशियल स्टैंप हो गया। क्यों ब्लॉग का पार्ट बनाया, रिकॉर्ड ही नहीं करा? क्योंकि उसमें ये मेरी बेइज्जती कर रहा था ना, अल्लाह ताला नहीं चाहता मेरी बेइज्जती करे कहीं, मैं कर लूंगा अपने ब्लॉग में। भाभी को डर लग रही है। बेगम एक तो बहुत खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मगर उनको लग रही है बहुत ज्यादा, और इसके बाद भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। खैर स्टॉपर भी आ गया और मैं मिनाइल वैन से जो है वो जाके उनका कोट ले आया। मैंने यार कोट दे दो, बेगम को बहुत ठंड लग रही है। मेहंदी बेसिकली 15 तारीख को थी, मगर लिखना भूल गया, 16 को थी मेहंदी, 16 तारीख तो लग गई, 16 को मेहंदी थी, 15 को नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, चूट ही खत्म नहीं हो रहा। ठीक है ठीक है, ये देखो भाई गाइस, पहले ही रिवील कर दूंगा, ये देख लो भाई, ये देख लो, ये फोटो आने वाली सही वाले बड़ी सही फोटो लो, क्या चमाट मारूंगा, सही आ रही है। बॉस कुछ करें, चलें, घोड़े थक गए, हम भी थक गए। ये अपना कैन, कैसे हो भाई? क्या बात है, मैन इन ब्लैक यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेगम का शूट शुरू हो चुका है और रिंगा रिंगा रोजेस के साथ भाई लड़के वालों की एंट्री हो गई है और लड़के वाले आ गए हैं और ढोल छोल के साथ आए, समझ रहे हो भाई? दूसरी दफा मैं देख रही हूँ कि जहाँ लड़कियों का झुंड है ना वहीं ला रहे खाली, जहाँ लड़कियों का झुंड है वहीं देख रही है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपने देखी नहीं होंगी। ये कर रहा हूँ मैं, ये सब देख रही हूँ मैं, लियाना पे टोपी डालने की जरूरत नहीं है। ये ब्लॉग वाले पार्ट दिखा, ये ब्लॉग पार्ट दिखाएगा भी मैंने जा। अलियाना ये तुम्हारे नाम पे छूट रहे हैं तुम्हारे ताया अब्बा, प्यारी लग रही है बेचारी को, ठंड लग रही है। ये है आज का मेन्यू, इतनी ठंड है ना, इतनी ठंड है कि हाथ बर्फ हो रहे हैं, पांव बर्फ हो रहे हैं, उठा नहीं जा रहा, वीडियो पिक्चर्स कुछ नहीं बनाई जा रही क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही भाई। जो है वो बहुत ठंड है, एक्सट्रीम लेवल की ठंड हो रही है,
एक पराठा। इनका परसों है, अभी से दावत में आ गए तुम लोग, क्या कर रहे हो? अरे समी भाई चल लो, सुबह पनवेल जाना है। एरिया अपना अपना इलाका। अबे सिंध में नहीं है, इंडिया में है पनवेल, क्या हो गया है रफीक? नहीं यहाँ पर मिल रहा कोई भी कुआ। How are you, मिनाइल मुआ? I am good, thank you so much. क्या बोले, नहीं आपको मिला यहाँ पे कोई भी कुआ? मैं ठीक हूँ और माजरत अगेन शादी पे ना। अबे ये मैं तो भूल जाते मेरी बात ही नहीं, क्या कर रहा है? अरे जिंदगी नहीं है हमारी, झंड यहाँ बहुत हो रही है। क्या किया? दो मियाँ बीवी बहुत प्यारे से हमारे पास अभी आए हैं, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं हम जा रहे हैं। वो है एक ये जो नींद में हमेशा रहता है, एक ये मियां बीवी, एक रहता है नींद में, एक ये मियां बीवी। बिल्कुल बिल्कुल से आप लैग करते रहे, आप ड्रैग करें। चलो चलो जी आजो यार, एक मियां बीवी है जो शोहर है वो। अबे मैं इतनी मुश्किलों से इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे को कैमरे में ले रहे हैं, मैं आ नहीं रहा पूरा यार। बॉडी शेमिंग बहन, क्या बॉडी शेमिंग? नहीं छोड़ो यार, टोंडा शेमिंग साले, छोड़ो यार भाई, ड्रोन में शूट करना, मुझे इसमें आ नहीं रहा। ठीक है, उर्दू में चावल, पंजाबी में चौल, कैसी है इसमें डॉल? ये ओरिजिनल है, वो मेरी कॉपी है, वो कॉपी है, हम ओरिजिनल है। मेरी बेगम का बहुत ही खसूसी शूट चल रहा है भाई, एक्सक्लूसिव शूट विद द शैंडलियर्स, इंग्लिश बेगम मेरी, ओह माशाल्लाह। बेगम को लग रही थी बहुत ठंड, मगर अभी जैसी शूट की बारी आई है, ठंड इज द वैनिश मैन, कम ऑन। ओ भाई साहब, रोल में रोल। तो गाइस इट्स अ रैप फॉर टुनाइट, और यहाँ पर इवेंट होता है हमारा खत्म, क्योंकि जो है भाई बहुत लेट हो गया है, और हमारे ड्राइवर भाई को भी जाना है, हमें भी जाना है, और अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं। अभी डांस परफॉर्मेंसेस वगैरह इस तरह शुरू नहीं हुई है, मगर हम जो है जा रहे हैं, क्योंकि 3 बज गए, कितना और वेट करेंगे। इवेंट से वापसी जा रहे हैं और भूख लगी हुई है सबको, तो हमने सोचा कि हम यहाँ से रुके खाना लेंगे, क्योंकि कल जहाँ से हमने शॉर्मा लिया था वो बहुत अच्छा था, लेकिन आज वो बंद हो गया क्योंकि आज हम आए हैं लेट। तो अभी हम एक जगह से ले रहे हैं शॉर्मा और लाली और लाली और लाली कहाँ गए, लाली कहाँ चले गए, ये रहे लाली हमारे लिए शॉर्मा बनवा रहे हैं, और फिर हम जाएंगे घर। और बाकी हमारे आधे दोस्त अभी इवेंट पर ही हैं, वो फिर बाद में हमें घर पे लेट ज्वाइन करेंगे। घर आ गए हैं, और घर भी ऐसे लग रहा है कि घर हमारा किसी ने फ्रिज के अंदर रखा हुआ था, इतना ठंडा हो रहा है। उफ अल्लाह, लाली अपनी मेरे ऊपर दे दें शॉल, बहुत ठंडा, बहुत ठंड होगी ये, पता नहीं कहाँ ही आ गए हम लोग कराची से उठ के। छोटी शॉल है, रीढ़ दिल में कह रहा होगा जल्दी शादी खत्म हो और ये लोग जाएं, क्या मेरी जान खाते रहते हैं वीडियोस, पक्की बात है। मैं फिर शाउट आउट, गाइस फॉलो करें जरीर को, फॉलोवर्स फॉलोवर्स बढ़े ना, फिर मुझे बता देना, मुझे पता चले लोग मेरी बात सुनते भी हैं कि नहीं। अब मेरे लाल की वीडियो बहुत लेट हो गया था इवेंट में, और लिटरली हम लोग घर पे आए 4:30 पे, 4:30 हम घर पर आए हैं, और रबीका, हुसैन, खुरैम वहीं पर थे इवेंट पे, और डांस वांस सबने ही प्रिपेयर किया हुआ था, मगर यार इतना देर हो गई थी, फिर बेगम को भी ठंड लग रही थी, आंटी को भी ठंड लग रही थी, बच्चे भी साथ थे वो भी ठंड से कुड़कुड़ कर रहे थे, और किसी एक लड़के ने लाजमी जाना था, तो मैंने बोला कि फिर मैं चले जाता हूँ, ये बच्चे यहीं रहे इन्जॉय करें वो लोग, तो मैं फिर इन लोगों को लेके घर पर आ गया था। हम लोगों ने खाना खाया, चेंज चेंज कर लिया, सब कर लिया जी, तो बस यहाँ पर जो है ना मेहंदी समाप्त हुई, और अच्छा इवेंट किया, डिसेंट इवेंट था। ओ फटाफट से सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दो भाई, टारगेट अपना बहुत दूर है, मगर इंशाल्लाह हो जाएगा अचीव, नहीं हुआ तो देर से हो जाएगा, मगर आई एम स्टिल होपफुल के शायद मेरे रडार में हम टारगेट पे पहुँच जाएँ। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में अपनी याद रखें। लाली आउट, गुल आउट, ओके द